टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मौजूदा विकेट कीपर बल्लेबाज द विंटेज धोनी को दुनिया इन दिनों अपना आइडल मानती है। जो आपको बता दें कि धोनी ने भारतीय क्रिकेट के लिए और अपनी टीम के लिए जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरह से धोनी 37 साल की उम्र में आज भी उसी तरह से चुस्त तरीके से फील्डिंग करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं, वो वाकई में कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस 2019 में बल्ले से निकल रहा है वो वाकई में दर्शाता है कि 2019 में कितने इंपॉर्टेंट हैं महेंद्र सिंह धोनी। उनका क्रिकेटिंग माइंड आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। जिस तरह से धोनी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो वाकई विराट और रोहित के लिए भी एक बड़ी इंस्पिरेशन है और उन्हें धोनी से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में धोनी ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया झुककर सलाम कर रही है। भले ही भारत 4 रन से मैच हार गया हो और सीरीज गंवा बैठा हो, लेकिन धोनी का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल न्यूजीलैंड की पारी के दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे तो पीछे से एक फैन धोनी के पास आ गया और उस फैन के हाथ में भारत का तिरंगे का झंडा था। बड़ी बात यह रही कि वो फैन धोनी के पांव छूने लगा। धोनी ने जैसे ही देखा कि तिरंगा नीचे आ रहा है, धोनी ने तुरंत उस शख्स के हाथ से तिरंगा छीना, उन्हें कहा कि आप अंदर चले जाइए और तिरंगा अपने हाथ में ले लिया और सर के पास रख लिया। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने इंटरनेट पर जमकर सनसनी मचा दी है। एक बार फिर धोनी ने प्रूफ किया कि वो अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन देशभक्त भी हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।